हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ब्रांड न्यू वीडियो, और वो है बोया बाय M1 माइक की अनबॉक्सिंग और रिव्यू। तो हम आज आपको इस माइक के बारे में बताएंगे, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और इसका रिव्यू देंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं। और बहुत ही अच्छा माइक है ये, और सब यूट्यूबर इसको यूज़ करते हैं। तो नॉइस कैंसलिंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ जाता है, और इसको यूज़ करने के लिए हमें एक एप्लीकेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओपन कैमरा ऐप के नाम से वो आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, प्ले स्टोर से आपको ये आसानी से मिल जाएगी। का जो माइक है ये मोबाइल के अंदर भी लग जाता है और DSLR के अंदर भी ये लग सकता है, मतलब दोनों के अंदर ये माइक यूज़ हो सकता है। DSLR और मोबाइल के अंदर दोनों में ये कनेक्ट कर सकते हैं आप इस माइक को। तो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का माइक है ये, दराज से ऑर्डर करा था मैंने, तो मिल जाएगा आपको ये माइक दराज पे और इजीली। मैं आपकी इसकी माइक की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है ये, सब यूट्यूबर इसको रिकमेंड करते हैं। और जैसे आपकी वीडियो के अंदर नॉइस आती है, आप विदाउट माइक जब वीडियो बनाते हैं तो आपकी ऑडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ पाती, इसकी वजह से मैंने ये माइक लिया है ताकि हमारी ऑडियो क्वालिटी जो है बेहतर हो सके और हमारी वीडियो भी अच्छी लगे। तो इस वजह से मैंने माइक ऑर्डर करा था, तो ये आ गया था। तो मैंने सोचा कि एक इसका रिव्यू ही कर देते हैं और अनबॉक्सिंग करते हैं अपने इस M1 माइक की। तो मैं आपको माइक के अभी टेस्ट करके दिखाऊंगा और इसका रिव्यू करके बताऊंगा कि हमारी जो वॉइस है विदाउट माइक आपको सुनाऊंगा और विद माइक भी आपको मैं सुनाऊंगा, दोनों करके, ताकि आपको भी इसका फ़र्क पता लगे कि दोनों की क्वालिटी आपको पता लगे कि विदाउट माइक कैसी हमारी क्वालिटी है और विद माइक कैसी हमारी क्वालिटी रहेगी। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के अंदर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये बारकोड आप स्कैन करके ये मालूम कर सकते हैं कि ये फेक है या फिर ओरिजिनल है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऐसा इंटरफेस है, यहाँ पे आपको फीचर्स मिल जाएंगे, स्पेसिफिकेशन मिल जाएंगी आपको बॉक्स के पीछे। ये माइक आपके DSLR पे भी वर्क करेगा और आपके मोबाइल फ़ोन्स पे भी। तो बॉक्स के अंदर हमें एक मिलती है यहाँ पे सबसे पहले गाइड, तो हम इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे इस माइक को यूज़ करना है, सारी इंस्ट्रक्शन इसमें दी हुई हैं, पूरी गाइड है, आप इसको पढ़ सकते हैं, ये देखें आप। और इसके अलावा हमें इसके साथ मिलता है एक वारंटी कार्ड, ये है वारंटी कार्ड इसका, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसके साथ हमें मिलता है एक लेदर पाउच, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का ये पाउच था लेदर का, और बहुत अच्छा इसका मटेरियल था। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले देखने को मिलता है नॉइस कैंसलिंग फॉर्म, जैसा कि आप देख सकते हैं ये नॉइस कैंसलिंग के लिए यूज़ होता है फॉर्म, ये आपके माइक के ऊपर लगता है। और इसी के साथ हमें मिलता है एक क्लिपर और एक बैटरी, जो कनेक्ट कर सकते हैं हम DSLR से, जब हम कनेक्ट करेंगे तो उसके लिए हमें बैटरी चाहिए होगी। तो उसके साथ एक बैटरी है, एक फॉर्म है और एक क्लिपर मिल जाएगा आपको, और ये एक एम्पलीफायर के लिए आपको एक कनेक्टर मिल जाएगा, इस पर अगर आप एम्पलीफायर पे यूज़ करना चाहें तो उस पर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है एक क्लिप, जो कि आप इसको माइक के साथ लगा के अपनी टी शर्ट पे क्लिप कर सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई, और अब हम निकालते हैं अपना बोया बाय M1 माइक। तो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी क्वालिटी का ये माइक्रोफोन है, ये आपको जैक मिल जाएगा 3.5 mm जैक है ये, जो आपके आसानी से स्मार्टफोन में कनेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा मेन माइक है, ये देख सकते हैं आप, ये मेन हमारा माइक्रोफोन है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का ये माइक्रोफोन है। और इसके आप वायर भी देख सकते हैं, और ये आपको मिलते हैं यहाँ पे अडाप्टर, ये है कैमरे के लिए यूज़, अगर आपको ऊपर करेंगे तो ये कैमरे के लिए यूज़ कर सकते हैं, और नीचे आप स्मार्टफोन के लिए,
और अगर आप स्मार्टफोन पे यूज़ कर रहे हैं तो ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको DSLR के लिए यूज़ करना है तो आपको इसको खोलना पड़ेगा, इसको ओपन करके बैटरी लगानी पड़ती है। तो जैसे कि इसके साथ बैटरी दी गई है तो आप इसमें बैटरी कनेक्ट कर अपने DSLR के साथ भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माइक है ये। देखें आप, इसके साथ हमें बहुत ही लंबी वायर मिलती है और बहुत ही अच्छी इसकी लेंथ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की ये वायर है। तो ये हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, माइक के ऊपर हम ये फॉर्म लगा सकते हैं, और इसके साथ हम क्लिपर भी लगा सकते हैं इसको, ताकि हम अपनी आसानी से शर्ट के अंदर टी शर्ट में इसको आराम से क्लिप कर सकें। तो ये देखें, अभी ये हो गया है रेडी हमारा माइक्रोफोन। अभी जो आप वॉइस सुन रहे हैं ये हमारे बोया बाय M1 माइक की वॉइस है, और अभी हम आपको विदाउट माइक की वॉइस अभी आपको हम सुनाते हैं और आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं। और अब जो आप ये वॉइस सुन रहे हैं ये हमारे मोबाइल के फिल्टर माइक्रोफोन की वॉइस है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त।